नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुष्क बागवानी योजना के तहत इन पौधों के लगाने पर मिलेगा 50% अनुदान। बीपीएससी चेयरमैन ने शिक्षक भर्ती को लेकर कही ये बात। आरजेडी बीजेपी नेता को गलत निमंत्रण पत्र भेजने पर सरकार की सफाई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ जुड़ेंगे 1800 विशेष अतिथि। गदर 2 की सफलता पर सनी देओल ने कही ये बात। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं और स्नातक पास के लिए निकली हैं भर्तियां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला के द्वारा युवाओं के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि एप्लीकेशन प्रोसेस 15 अगस्त 2023 से शुरू होकर 30 अगस्त 2023 तक चलेगा। मालूम हो कि इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 202 रिक्त पदों को भरा जाना है। इन पदों में मेडिकल अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न पद शामिल है। ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट निर्धारित तारीख तक आधिकारिक वेबसाइट http://igh.scapitalailsmallrsp.co.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मेडिकल अटेंडेंट के लिए आवेदन करने वाले युवा का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए 12वीं पास के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से PGDCA की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य विभिन्न पदों के लिए अन्य योग्यता निर्धारित की गई है, जिसे अभ्यर्थी जारी किए गए नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। शुष्क बागवानी योजना के तहत इन पौधों के लगाने पर मिलेगा 50% अनुदान। बिहार के वैसे किसान जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के तहत कम सिंचाई वाले पौधे लगाने का काम करते हैं, उनके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के तहत आंवला, बेल, जामुन, कटहल, बेर, अनार, नींबू एवं मीठा नींबू के पौधे लगाने पर 60,000 रुपए इकाई दर का 50% यानी कि 30,000 रुपए अनुदान के रूप में राशि प्रदान किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौधे सामग्री सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट्स देसरी वैशाली से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सूक्ष्म सिंचाई लगवाना आवश्यक है। वैसे किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन करने के लिए tinyurl.com/4hrpu685 या स्क्रीन पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान संबंध जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें। बिहारी बोतरे में आज हम बात करेंगे समीम हाशमी के बारे में। समीम हाशमी का जन्म आज ही के दिन 1947 को हुआ था। यह एक उर्दू और फारसी कवि हैं। मूलतः गजल के शायर हैं। उन्होंने विभिन्न छंदों में कविता के अन्य विधाओं की कविताएं भी लिखी हैं। हाशमी ने 9 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं और गद्य उर्दू साहित्य की राष्ट्रीय पत्रिकाओं जैसे फुननू, शायर, आजकल और शुभा ए नव पटना आदि में प्रकाशित हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी उर्दू और फारसी गजलों के संग्रह भी शामिल हैं। उनका प्रमुख साहित्यिक कार्य 1970 के दशक में प्रकाशित हुआ था। उनके सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक टूट तय पत्तों का दुख 2005 में प्रकाशित हुई थी, जिसे व्यापक रूप से सराहा गया। उन्हें साहित्य भूषण और बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके लेखन प्रभावों में मीर तकी, मीर और अमीर खुसरो शामिल हैं। बीपीएससी चेयरमैन ने शिक्षक भर्ती को लेकर कही ये बात। 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राज्य भर में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने की घोषणा बीते ही दिनों बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद द्वारा की गई है। साथ ही उन्होंने उम्मीदवारों से गुजारिश की है कि हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उम्मीदवार किसी तरह के भ्रम में न रहे। मालूम हो कि बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन द्वारा बताया गया कि अब तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा रोकने का कोई कारण नहीं है। सरकार को इस मामले पर नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और हमें इस मामले में अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि यह परीक्षा अभी जारी है। बिहार के इन स्टेशनों पर मात्र 20 रुपए में खाना और 3 रुपए में मिलेगा पानी। अक्सर अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई तरह की योजना बनाता रहता है। अब इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए एक और पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत यात्रियों को अब सस्ता और अच्छा भोजन बोगी के पास ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। भोजन में कई तरह के डिश उपलब्ध होंगे, जहां 20 रुपए में इकोनॉमी खाना और 3 रुपए में पानी मिल सकेगा। वर्तमान में यह सुविधा दानापुर रेल मंडल के क्यूल, बक्सर, मोकामा, बख्तियारपुर, वहीं समस्तीपुर रेल मंडल के रक्सौल, समस्तीपुर बेतिया, नरकटियागंज और धनबाद मंडल में धनबाद स्टेशन पर जनरल बोगी के यात्रियों को यह दी जा रही है। जी20 सम्मेलन में विदेश से आए मेहमान अपने पैतृक गांव को ढूंढते पहुंचे बिहार।
धर्मदेव निर्मल हरि मॉरिसस से अपने पूर्वजों को ढूंढते हुए अपने पैतृक गांव बीटा के विषमपुर आए। यहां आते ही उन्होंने बताया कि यहां के लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। गांव की मिट्टी से अपनापन महसूस होता है। लोगों ने जो प्यार दिया वह हमेशा उनकी यादों में रहेगा। उन्होंने बताया कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वर्ष 1859 में उनके पूर्वज मॉरिसस गए थे, तब से सभी वहीं बस गए, लेकिन गांव में उनकी पहचान उजागर नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में बिहार के मुख्यमंत्री मॉरिसस गए थे, जहां आने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जब उनकी कलाकृति को देखा तो उनकी काफी सराहना की। साथ ही सीएम नीतीश ने उन्हें बिहार आकर अपने पूर्वजों के गांव को ढूंढने का न्योता भी दिया था। बता दें कि बिहार में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में कई विदेशी मेहमान भारत आए, जिनमें मॉरिसस से आए हरि भी शामिल थे। IGIMS में भी किफायती दर पर शुरू होगी हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा। जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा IGIMS में शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत 2 हार्ट लंग मशीन भी अस्पताल के पास उपलब्ध हो चुके हैं। साथ ही अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जा रही। जब सभी उपकरण उपलब्ध हो जाएंगे तब हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि अस्पताल के अधीक्षक सह डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मंडल द्वारा इस बात की जानकारी सामने आई है। उन्होंने बताया है कि यदि यहां यह सुविधा शुरू होती है तो काफी किफायती दर में लोगों को यहां हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सकेगी। यहां अन्य जगहों से इसके लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, वहीं इस संस्थान में मात्र 5 लाख रुपए तक में ही काम खत्म पूरा हो जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चे सीखेंगे गमले में सब्जी उगाने के गुर। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में पूर्व से चल रही पोषण वाटिका योजना के अंतर्गत अब बच्चे गमले में हरी सब्जी लगाने के गुर सीखेंगे। बता दें कि इसके लिए मिड डे मील योजना निदेशालय के द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं अब बहुत जल्द ही इस संबंध में राज्य के सभी स्कूलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि इस बारे में मिड डे मील योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पोषण वाटिका योजना के तहत राज्य के 12,000 स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरी सब्जियां लगाई जाएंगी। ऐसे में वे स्कूल जहां पर अतिरिक्त जमीन नहीं है वहां सब्जी का उत्पादन गमलों में किया जाएगा। इससे बच्चे सब्जी उगाना भी सीखेंगे और साथ ही बच्चों को मिड डे मील में सब्जी को भी परोसा जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी एक और योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर स्कूल में सहजन के पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि यह ज्यादा जगह नहीं लेती है और साथ ही यह बहुत जल्द ही तैयार भी हो जाती है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वैसे स्कूल जहां पर खाली जमीन नहीं बचे हैं वहां चारदीवारी के पास यह पौधे लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहजन की सब्जी स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होती है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मिट्टा बुद्धराम मंदिर के बारे में। मिट्टा बुद्धराम मंदिर बोधगया में स्थित एक थाई मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण थाई वास्तुकला पर आधारित है। परिसर के बाहरी आवरण का निर्माण स्टेनलेस स्टील और दर्पण से सुसज्जित किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मंदिर का फर्श लकड़ी का बना हुआ है और ठीक इसके नीचे सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित फर्श वाला ध्यान कक्ष है, जो भक्तों को ध्यान प्रार्थना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। मंदिर को विभिन्न तरह की कलाकृतियों मूर्तियों से सजाया गया है, जो सफेद सीमेंट मिट्टी और इपॉक्सी पेंट के मिश्रण से हस्तनिर्मित है। पर्यटक इसकी विशिष्ट वास्तुकला और भगवान बुद्ध की मूर्ति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शाम को मंदिर परिसर की कृत्रिम रोशनी इसकी खूबसूरती को और भी मनमोहक बनाती है। बिहार के अंशु कुमार शाही KBC के इस सीजन में मचाएंगे धूम। KBC का 15वां सीजन आज से सोनी टीवी पर शुरू होगा। इसके प्रोमो को भी जारी किया जा चुका है। बता दें कि इस प्रोमो में हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अंशु कुमार शाही नजर आए। अंशु मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के ही रहने वाले हैं। अंशु हॉट सीट पर बैठकर बिग बी द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान अंशु ने बताया कि उनके शो का प्रोमो टीवी एड में आ रहा। इसका प्रसारण 15 अगस्त को रात के समय में 9 बजे सोनी टीवी पर किया जाना है। सीजन के लिए उन्होंने अप्रैल में ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। हाथी गलियारे के रूप में जमुई वन प्रमंडल क्षेत्र की हुई पहचान। बिहार के पहले हाथी गलियारे के रूप में जमुई वन प्रमंडल क्षेत्र की पहचान हुई है। बता दें कि अब हाथियों के मौजूदगी पर जमुई के जंगलों में मुहर लग चुकी है। फिलहाल पूरे देश में 150 हाथी के गलियारों की संख्या है, लेकिन यह बिहार का पहला हाथी का गलियारा होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व हाथी दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की गई। विभाग की तरफ से जारी पहल के लिए जमुई में वन्य प्राणी संरक्षण को दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। गांधी मैदान में परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास, कमिश्नर ने लिया जायजा।
हर साल बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है और साथ ही बिहार सरकार के कई विभागों के द्वारा अपनी झांकियां प्रदर्शित की जाती है। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया जाता है। मालूम हो कि बीते दिन परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास रहा। ऐसे में प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि जो निरीक्षण करने गांधी मैदान पहुंचे थे, उन्होंने परेड की सलामी ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर परेड की कमान संभालने वाली एसपी दीक्षा है। ऐसे में अब गांधी मैदान को बंद कर दिया गया है और अब सीधे कल यानी कि 15 अगस्त को गांधी मैदान खुलेगा, जहां आम लोग पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निरीक्षण के लिए जाने के बाद आयुक्त कुमार रवि के द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है और 15 अगस्त को बिहार सरकार के अलग अलग विभागों की 13 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी और 16 टुकड़ियां परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के प्रवेश से लेकर पार्किंग के लिए तमाम व्यवस्था कर ली गई है। लोगों को बैठने के लिए धूप या बारिश को ध्यान में रखते हुए शेड का निर्माण करवाया गया है जो कि वाटर प्रूफ है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी। खास तौर पर इसकी खुशी किसानों में ज्यादा देखने को मिल रही थी। ऐसे में अगर हम आज यानी कि 14 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें तो आईएमडी बिहार के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, तो वहीं उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से आज राज्य में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं कल यानी कि 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करें तो आईएमडी बिहार के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, तो वहीं उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मालूम हो कि मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त के दिन के लिए भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस तरह की स्थिति राज्य में 17 अगस्त 2023 तक बनी हुई है। बिहार सहित इन राज्यों पर एनआईए की छापेमारी। पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए द्वारा बीते ही दिनों देश के अलग अलग राज्यों के छापेमारी की गई। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ साथ 5 राज्यों के ठिकानों पर एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें केरल के मलप्पुरम, कन्नूर और कोल्लम जिलों में फैले पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं से जुड़े 8 जगहों पर छापेमारी की गई। पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं के आवासों पर हुई छापेमारी में मलप्पुरम में 4 स्थानों पर, कन्नूर में 3 और कोल्लम में 1 स्थान पर सुबह 4 बजे शुरू हुई छापेमारी सुबह के 9:30 बजे तक जारी रही। बता दें कि छापेमारी के दौरान क्या सामने आया और ये कार्रवाई किस पर हुई, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। आरजेडी बीजेपी नेता को गलत निमंत्रण पत्र भेजने पर सरकार की सफाई। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए खास लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, लेकिन इस बीच राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह और भाजपा विधायक चाणक को गलत निमंत्रण पत्र भेजे जाने को लेकर सरकार की खूब फजीहत भी हुई। वहीं अब इस मामले पर अब बिहार सरकार की ओर से सफाई दी गई है। बता दें कि पटना के प्रमंडल आयुक्त कुमार रवि जिनकी तरफ से नेताओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण पत्र भेजा गया था, उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि त्रुटि पता चलते ही पटना डीएम से बात हुई और तुरंत उसे ठीक करवाया गया। उन्होंने कहा कि भूल बस ऐसी गलती हुई है, किसी की भावना को आहत पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। आज से भरे जाएंगे सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 14 अगस्त से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की घोषणा कर दी गई है, जिसकी अंतिम तारीख 13 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ छात्र 22 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा फॉर्म स्कूलों के माध्यम से भरे जाएंगे। इन सब के अलावा बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 10वीं एवं 12वीं में 31 अगस्त तक नामांकन होगा, उसके बाद किसी भी छात्र का सीधे 10वीं और 12वीं में नामांकन नहीं लिया जा सकता है। वहीं बोर्ड के द्वारा स्कूलों से दिव्यांग बच्चों की सूची भी मांगी गई है, जिसे स्कूलों को 31 अगस्त से पहले बोर्ड को भेजना अनिवार्य है ताकि परीक्षा में उनके लिए समुचित व्यवस्था की जा सके। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े सवालों पर भड़के अखिलेश सिंह।
बीते दिन बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भड़कते हुए कहा कि इसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछिए, हमसे नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी जो बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हुई थी वह हमने सभी के सामने रख दी है, इसके अलावा जब मिलेंगे तो फिर बात कर लेंगे। इसके साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा झूठ बोलते हैं और बिहार को गरीबी में धकेलने का काम कर रहे हैं। पीएम जब आते हैं तो लंबा लंबा फेंकते हैं, लेकिन बिहार में एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ। जब से पीएम आए तब से एम्स खुल रहा है, यह देश और बिहार को बरगलाने का काम करते हैं। पटना में एम्स खुला तो कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन दरभंगा में इस निर्माण को लेकर किसी से पूछ लीजिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री के मिशन 60 पर उठाए सवाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा वर्षा और बाढ़ में सरकारी अस्पतालों की दुर्गति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के मिशन 60 पर सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाढ़ और महामारी को ध्यान में रखकर अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। थोड़ी भी वर्षा होने पर सरकारी अस्पतालों में जल जमाव हो जाता है और ऐसा वर्षों से हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप तमाश बीन रहती है। कुछ वर्ष पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वर्षा का पानी भर जाने से मरीज और सांप एक साथ दिखाई दे रहे थे, जो कि एक राष्ट्रीय समाचार बन गया था और उस दौरान बिहार की बदनामी भी हुई थी। वहीं इस साल वर्षा अधिक नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हाजीपुर सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, मुजफ्फरपुर, अररिया, दरभंगा सहित विभिन्न अस्पतालों में पानी भर गए थे। डेंगू जैसे रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग असफल साबित हो रही है। राज्य में कमजोर तबका की अधिकांश आबादी सरकार की कुव्यवस्था का शिकार हो रही है। अगर ऐसे में इन समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं निकल कर आता है तो तबाही तय है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं है, क्योंकि वे विपक्षी एकता और अपने मुकदमा के कार्य में व्यस्त हैं। उन्होंने मिशन 60 लाया था, परंतु सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार तक नहीं हो सका। चिराग का बिना नाम लिए पशुपति पारस ने बोला हमला। वैशाली के हाजीपुर सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा अपने भतीजे चिराग पासवान का बिना नाम लिए हुए उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें बरसाती मेंढक बताया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बरसाती मेंढक है, बारिश के मौसम में इसी तरह टड़टड़ाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि एनडीए का एक नंबर सहयोगी पार्टी हम है, इसलिए हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। आज कोई नए तौर पर जुड़ गया है तो ऊपर ऊपर उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी हाजीपुर में बीते एक वर्ष से चल रही है। हाजीपुर का संगठन हो या पार्टी हो, 40 वर्षों से मैं ही सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाजीपुर से कोई दावेदार नहीं है, सब कुछ झूठा दावेदार है। वे वहां जाकर सेवा कर रहे जहां पिताजी हाथ पकड़ कर ले गए थे, हाजीपुर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने किसी दल किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दिया है, लेकिन उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में आज के दिन हुई। भारत का विभाजन 1947 को हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। मुरारजी देसाई 1968 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किए गए। भारत सरकार ने 2010 में 64वें स्वतंत्रता दिवस पर काबुल में शहीद हुए सेना चिकित्सा कोर के मेजर एल ज्योति सिंह को अशोक चक्र तथा विनोद चौबे और मेजर दविंद्र सिंह जस को कीर्ति चक्र प्रदान करने की घोषणा की। मुंबई के प्रमुख नेता और केंद्र सरकार में अनेक विभागों में मंत्री रहे एस के पाटिल का जन्म 1900 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म 1924 को हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉनी लिवर का जन्म 1956 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर प्रवीण आमरे का जन्म 1968 को हुआ था। कुश्ती खिलाड़ी खाशाबा जाधव का निधन 1984 को हुआ था। भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू का निधन 1988 को हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक तथा अनुवादक अमृत राय का निधन 1996 को हुआ था। भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हवा सिंह का निधन 2000 को हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता सम्मी कपूर का निधन 2011 को हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख का निधन 2012 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का निधन 2017 में हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कथित रूप से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी किए गए एक पत्र के माध्यम से प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और पत्र का जवाब देने की भी मांग की जा रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है, भारत सरकार के तहत किसी भी संस्था ने ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा है। व्हाट्सएप में जल्द आपको मिलेगा मल्टी अकाउंट फीचर।
व्हाट्सएप मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के तहत आप एक से ज्यादा अकाउंट एक ही ऐप में खोल पाएंगे। एक से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए आपको बस इसे स्विच करना होगा। इस तरह का फीचर मीटा ने इंस्टाग्राम में पहले से दिया हुआ है। मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर के आने से आपको फोन में पैरेलल स्पेस एप्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के द्वारा शेयर की गई है। फिलहाल ये फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किए गए हैं। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए रोल आउट करेगी। अगर आप भी व्हाट्सएप के तमाम नए फीचर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी के बीटा प्रोग्राम के लिए एनरोल करना होगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ जुड़ेंगे 1800 विशेष अतिथि। इस बार 15 अगस्त को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के लाल किला पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने वाले झंडोत्तोलन को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि 15 अगस्त के इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न सशस्त्र बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दी है। वहीं सबके बीच भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले विशेष अतिथियों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 1800 अतिथियों के नाम शामिल है। सभी अतिथियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सभी अतिथियों को जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। अब जानकारी के लिए बता दें कि 1800 मुख्य अतिथियों में वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण में योगदान देने वाले मजदूर, खादी क्षेत्र के श्रमिक और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले स्कूल शिक्षक शामिल है। इनके अलावा सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी भी शामिल है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लागू अमृत सरोवर और हर घर जल योजना परियोजनाओं में शामिल रहे हैं। गदर 2 की सफलता पर सनी देओल ने कही ये बात। गदर 2 में सकीना और तारा सिंह की केमिस्ट्री को देख उनके फैंस उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। बता दी कि पठान के बाद यह दूसरी ऐसी फिल्म रही जो सबसे ओपनर बन चुकी है। इस फिल्म को अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया था। मात्र 2 दिनों में फिल्म की कमाई 80 करोड़ पार कर चुकी है। फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित सिक्वल में से एक थी। इस फिल्म के सफलता को देखते हुए सनी देओल काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। जब सबने गदर का दूसरा भाग बनाया तो हमने कभी सोचा नहीं था कि दर्शकों द्वारा इतना पसंद किया जाएगा। बिहार की बेटी रश्मि का इसरो में हुआ चयन। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है, यह कई बार साबित किया जा चुका है। बिहार की बेटियां अब बड़े बड़े पदों पर अपना कब्जा जमाकर देश की सेवा करने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में बिहार के एक और बेटी ने बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं रोहतास की एक बेटी रश्मि सिंह के बारे में, जिनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर त्रिवेंद्रम में वैज्ञानिक के पद के लिए हुआ है। रश्मि की इस उपलब्धि से उनके आसपास और उनके घर में काफी खुशी का माहौल है। रश्मि के माता पिता का कहना है कि उनकी बच्ची शुरुआत से ही मेहनत करने में कतराती नहीं थी। आज उसने खुद की मेहनत के बल पर कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंची है। हमारी दुआएं और आशीर्वाद रश्मि के साथ है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल, हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान को कब शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 6 अगस्त, ऑप्शन सी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 अगस्त। अगला सवाल, बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जगदीशपुर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में बिहार में किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी पीर अली, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धनुप्रिया, शिव कुमार पासवान, प्रियांश उत्तम राज, चंद्रदीप, कमलेश शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, एस दिनेश, कस्तूरी कुमारी, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, गुंजा कुमारी, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए 5 मैचों की T20 सीरीज में आपके अनुसार भारत के किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।